हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रीत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेसिपी प्रीत, जहाँ मैं आपसे शेयर करती हूँ हॉल वीडियोस एंड स्टाइलिंग वीडियोस। आज का वीडियो जो है ह्यूज जैकेट हॉल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सारी ही जैकेट्स जो है ना मैंने मिंत्रा से मंगवाई है। इन सब के लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कोई भी जैकेट आपको अच्छी लगती है तो आप उस लिंक के थ्रू जो है परचेज कर सकते हैं। सबके ट्राई ऑन और प्राइस आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में आता है तो आप ज़रूर चेकआउट करना। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को थम्स अप जरूर दें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो फर्स्ट जैकेट मैं इस हॉल की जो आपसे शेयर कर रही हूँ, वो मैंने ये बहुत ही सुंदर ग्रीन कलर, ब्राइट ग्रीन कलर के अंदर लिया है। पफर जैकेट के अंदर है। यहाँ पे आगे इलास्टिक दे रखी है। फ्रंट से इस तरीके का है ये, पीछे से इस तरीके का है। दोनों तरफ जो है ना इसके पॉकेट्स दे रखी हैं। जैकेट्स बिना पॉकेट्स के तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती विंटर्स में। अंदर से देखते हैं किस तरीके का है ये। इस तरीके से अंदर भी इसके जो है ऐसा फैब्रिक दे रखा है, जो कि आपका विंड शीटर टाइप का फैब्रिक होता है ना, उस तरीके का फैब्रिक है। पूरा इस तरीके से फैब्रिक है। लुक आप इसकी ट्राई ऑन में देख लो किस तरीके की लग रही है। लेंथ जो है ना मेरे को इसकी हिप तक आ रही थी, मतलब आपकी क्रॉप जैकेट नहीं है, प्रॉपर फुल लेंथ वाली जैकेट है। अच्छी क्वालिटी के अंदर है। मैंने इसको लिया है फ्रॉम द ब्रांड टोक्यो टॉकीज, और साइज है इसमें एम। नेक्स्ट जैकेट जो है वो ली मैंने ये ब्यूटीफुल से कोबाल्ट ब्लू के अंदर। बहुत ब्राइट ब्लू कलर है। विंटर्स में इस तरीके के कलर्स पहने हुए ना बहुत सही लगते हैं जैकेट्स के। इस तरीके से फ्रंट से है ये, फ्लीस वाली जैकेट है पूरी स्लीव्स पे। आगे ऐसे इलास्टिक दे रखी है, कफ्स दे रखे हैं इसके। गले पे भी इस तरीके का डिज़ाइन है, फ्रंट से ऐसी है, पीछे से इस तरीके से है। ये वारसिटी स्टाइल के अंदर जैकेट है आपकी। हिच बटन्स जो है ओपनिंग इस तरीके से है। अंदर इसके जो है आपका अगेन पॉलिएस्टर का जो है कपड़ा दे रखा है। फैब्रिक जो है इसका अच्छा है, मोटे के अंदर है। मुझे पहन के वॉर्म एक्चुअल में फील हो रहा था। ग्रीन वाली भी वॉर्म है काफ़ी, ये भी काफ़ी वॉर्म है। लुक बहुत अच्छी है। पहनी हुई देख लो कैसी लग रही है। इसको आप अपने ट्राउजर्स और जीन्स दोनों के साथ पहन सकते हैं, दोनों के साथ अच्छी लगेगी। नेक्स्ट जैकेट जो है मैंने अगेन पफर ली है, इस ब्लैक कलर के अंदर फ्रॉम द ब्रांड रोडस्टर, एम साइज के अंदर। इसके अंदर ना मैंने सब, मेरा जो है 34 साइज है, मैंने फिर भी 36 ऑर्डर किया था, वो कि जो कि एक्स्ट्रा स्मॉल था, पर वो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइट था, तो मैंने इसलिए ना दो साइज़ अप किया। मतलब अगर आपको ये अच्छी लगती है, आप परचेज करते हैं तो इसके ना बड़ा साइज़ पे जाना आप, एक या दो साइज़ अप, अगर आपको लुक कैसी खुली लुक चाहिए तो। इस तरीके की ये है। फ्रंट से ऐसी है, हुडी दे रखी है, बहुत अच्छी लुक है। फ्रंट से इस तरीके से है, बैक से ये इस स्टाइल के अंदर है। नीचे इसके इलास्टिक दे रखी है, आपकी कमर पे अच्छे से टाइट हो जाएगी। ये थोड़ी क्रॉप्ड जैकेट है। और फ्रंट के अंदर जो है इसके बटन्स भी दे रखे हैं, और प्रॉपर जिप भी दे रखी है, पॉकेट्स दे रखी हैं। अंदर से कुछ इस तरीके से है ये, और बाहर से इस तरीके के। कपड़ा बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा जो है इसका फैब्रिक है। मुझे इसकी लुक, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी है, बहुत प्यारी लगी है। पहनी हुई भी ये बहुत अच्छी लग रही थी। नेक्स्ट जैकेट जो मैंने ली है वो मैंने ऐसे किल्टेड डिज़ाइन में ली है, रेड कलर के अंदर। इस तरीके से फ्रंट से है ये, पीछे से ऐसी है ये। इसके स्लीव्स पे भी प्रॉपर किल्ट है। आगे इसके टाइट इलास्टिक दे रखी है, और प्रॉपर इसमें आगे जिप की डिटेल दे रखी है। अंदर से इसके अगेन विंड शीटर वाला फैब्रिक लगा हुआ है, ताकि एयर जो है क्रॉस ना हो और आप वॉर्म रहें अंदर से। इस तरीके से ये है। ये है फ्रॉम द ब्रांड हेयर एंड नाउ, अगेन एम साइज में। इसमें मैंने जो है ना एक रेड कलर लिया है, रेड एवरग्रीन कलर है। विंटर्स में जैकेट के अंदर पहना हुआ बहुत ही अच्छा लगता है। ट्राई ऑन इसका देख लो कैसा लग रहा है।
रेड से मिलती जुलती ना, सेम फैब्रिक में सेम डिज़ाइन में मैंने इस तरीके की ब्लू कलर के अंदर डार्क ब्लू ब्लैक कलर का टोन होता है ना, उस तरीके की भी जैकेट ली है। अगेन क्विल्टेड फैब्रिक है, आगे से इलास्टिक दे रखी है, फ्रंट से ऐसा है, पीछे से इस तरीके की है। जैकेट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, सभी जैकेट जितनी मैंने आज आपसे शेयर कर रही हूँ ना, सबकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी लग रही थी। अंदर से भी अगेन विंडशीटर फैब्रिक है ताकि एयर क्रॉस ना हो। अगेन इसमें भी मैंने एम साइज़ लिया है फ्रॉम द ब्रांड हेयर एंड नाउ। प्राइस आपको स्क्रीन पर दिखेगा कितने का। फ्रंट से ऐसी, बैक से पूरा किल्टेड है, फ्रंट से भी किल्टेड है। किल्टेड जैकेट्स पहनी हुई तो इतनी सही लगती है, बहुत रिच और अच्छी आपको एलिगेंट सी लुक देती है, तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट जैकेट जो मैंने ली है वो है फ्रॉम द ब्रांड ड्रेसबेरी, साइज़ एम। मोस्टली मैंने एम साइज़ ही ऑर्डर किया अपने, ना स्मॉल साइज़ मेरे को आता है, एक एक साइज़ आपको ऑर्डर किया है क्योंकि विंटर्स के अंदर आप नीचे स्वेटर भी पहनते हैं, वार्मर भी पहनते हैं, तो आप फिटेड लेंगे तो वो फिट ही हो जाएगा बिल्कुल। इस तरीके से स्लीव्स के अंदर है ये, फर वाली इस तरीके से स्लीव्स हैं, आगे ऐसे दे रखा है, नेक राउंड इसका नेक है, फ्रंट में ऐसे जिपर की डिटेल दे रखी है। अंदर से इस तरीके का फैब्रिक है, ये मोटा फैब्रिक है, बट इसकी क्वालिटी ना बहुत ज़्यादा हाई क्लास क्वालिटी नहीं है, ठीक ठीक क्वालिटी है, डिसेंट क्वालिटी है। अगर आप इसके नीचे कोई हाई नेक पहने तो आप ज़रूर इसको ट्राई कर सकते हैं। फैब्रिक अच्छा है लेकिन ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई, मुझे डिसेंट सी लगी है ये। नेक्स्ट जैकेट जो है वो मैंने ये ब्यूटीफुल से ब्राइट पिंक, बेबी पिंक कलर के अंदर, शाइनी मटेरियल के अंदर ली है। इस तरीके की ना मेरे पास एक सिल्वर कलर की जैकेट भी है, वो भी बहुत सही लगती है पहनी हुई, मिंत्रा से ही मंगवाई थी मैंने वो, उसको 2 साल हो गए लिए हुए बट वो अभी तक सही चल रही है। इस तरीके से ये है फैब्रिक, इसका पॉलिएस्टर मटेरियल है, आगे से इस तरीके की इसकी लुक है, पीछे से इस तरीके का है। ये है फ्रॉम द ब्रांड ड्रेसबेरी, अगेन एम साइज़ के अंदर, फ्रंट पे जिपर दे रखा है, अंदर इसके विंडशीटर वाला फैब्रिक है ताकि हीट आपकी हीट अंदर ही रहे और हवा अंदर ना जाए। इस तरीके से है, पीछे से इस तरीके का है, अगेन इसमें भी साइड्स में पॉकेट की डिटेल दे रखी है। इसका फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है, मतलब लेदरिश मटीरियल होता है ना, ये वैसे वाला इसका मटीरियल है, होपफुली ये ख़राब ना हो। पहनी हुई तो ये लुक में बहुत अच्छी लग रही थी। नेक्स्ट दो जैकेट्स जो हैं उसमें से पहली तो ये है, कॉटन फैब्रिक के अंदर है, बहुत अगर लाइट विंटर्स है ना उसमें पहन सकते हैं आप, हाई विंड जो बहुत ज़्यादा विंटर्स होती हैं उनमें नहीं पहन पाएंगे आप। इस तरीके की ये है जैकेट, लाइट ब्लू के अंदर, नीचे यहाँ पे इलास्टिक दे रखी है, फ्रंट से इसका ये लुक है, पीछे से इसका ये वाला इस तरीके का लुक है। पॉकेट्स की डिटेल दे रखी है साइड के अंदर, पॉकेट्स ना ऑलमोस्ट सभी जैकेट्स के अंदर हैं। जिपर के आगे इसके जिपर दे रखा है, कपड़ा ना इसका कॉटन के अंदर है, मतलब लाइट विंटर्स अगर है ना तो उसमें आप इसको पहन सकते हैं। इसमें मैंने साइज़ अगेन एम साइज़ लिया है और ब्रांड है इसका टोक्यो टॉकीज। लास्ट एंड फाइनल जो जैकेट मैंने ली है वो मैंने कॉटराइज फैब्रिक में ली है। इस तरीके की ये जैकेट है फ्रॉम द ब्रांड स्ट्रीट 9, एम साइज़ के अंदर इस तरीके की ये जैकेट है। पफर स्लीव्स हैं इसकी, आगे कफ दे रखे हैं, फ्रंट से इसका ऐसा लुक है, पीछे से इसका ऐसा लुक है, आगे से ना इसकी कॉर्सेट स्टाइल वाली लुक है, प्रॉपर
वी बना हुआ है आगे, कॉर्सेट स्टाइल के अंदर लुक है, बैक से इस तरीके की थोड़ी क्रॉप्ड है, फ्रंट से कॉर्सेट स्टाइल में है, ट्राई ऑन में देख लो कैसा लग रहा है। फैब्रिक कॉटराइज है तो इसको भी आप लाइट विंटर्स में पहन सकते हैं, ऐसे ज़्यादा विंटर्स में आपको पहनना है तो इसके नीचे कुछ आपको पहनना पड़ेगा, वार्मर या हाई नेक। इस तरीके का इसका लुक है। इसमें ना और कलर्स भी अवेलेबल थे पर मुझे ग्रीन अच्छा लग रहा था। जिपर फैब्रिक, जिपर मटेरियल है, आगे जिपर की ओपनिंग दे रखी है, अंदर से इस तरीके का है। ये डिसेंट फैब्रिक है, ऐसा नहीं है कि बहुत हाई क्वालिटी के अंदर है, डिसेंट फैब्रिक के अंदर है। सारी ही जैकेट्स मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, बस फैब्रिक भी सबका अच्छा है, विंटर अप्रोप्रिएट है, अच्छी सब विंटर्स के अंदर आप इनको पहन सकते हैं, अच्छी लगेंगी पहनी हुई। ये थे आज के सारे प्रोडक्ट्स। आई होप आपको वीडियो प्रोडक्ट्स अच्छे लगे हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को थम्स अप जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, बहुत ही जल्द हम फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।